में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो आप लोगों के साथ अपनी फिल्मी शेयर करने जा रही हूँ वो एक अमृतसरी फिल्मी है, और ये वैसे तो बहुत जगह पे मिलती है बट इसका जो एक प्रॉपर टेस्ट होता है वो एक अमृतसर की फिल्मी का अलग होता है। तो चलिए मैं आपके साथ मेरी फिल्मी की अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, आइए इंग्रीडियंट्स देखते हैं। चलिए वैसे तो इसके लिए हमें बहुत कम इंग्रीडियंट्स की जरूरत पड़ती है, फिर भी जो हमारे इंग्रीडियंट्स इसमें जरूरी होते हैं वो ये होते हैं। उसके लिए मैंने एक अभी जो मैं फिल्मी बना रही हूँ कुछ 7-8 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 1 kg मिल्क लिया है, ये फुल क्रीम मिल्क है, और उसके साथ मैंने ये अपना हाफ बाउल जो है ये राइस फ्लोर है फुल बाउल या खोया है, और मैंने ये हाफ बाउल शुगर लिया है। इसको हम कम और ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और ये चीज़ें तो हमारे इंग्रीडियंट्स जो है मेन है, उसके अलावा हमारे डेकोरेशन के लिए मुझे ये अपने सिल्वर आलमंड के इसके मैंने जो फ्लेक्स काटे हैं उसको मैंने सोक कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसके फ्लेक्स बना लिए, और उसके साथ ही मुझे थोड़ा सा इलायची पाउडर चाहिए होता है और सिल्वर लीव्स चाहिए होती है जो हम डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। और इसकी जो हम जो इसमें हम जो सर्व करते हैं वो वैसे वो अर्थन पॉट्स होते हैं, बट मेरे पास इस समय इस तरह के पॉट्स हैं जिसमें कि मैं अपनी फिल्मी को सर्व करूँगी। कुछ जो ड्रम्स को सर्व करते हैं कुछ स्पेशल दिखनी चाहिए। बिल्कुल ये घारा जो है बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, अगर ये लम्स आ जाते हैं तो हमारी फिल्मी थोड़ी सी अच्छी नहीं बनेगी। और अगर बाई चांस आपके फिल्मी बनाते टाइम लम्स आ जाते हैं तो आप उसको थोड़ा सा ये देखिए, ये मैंने अपना जो ठंडे दूध के अंदर जो मैंने अपना राइस फ्लोर को मिक्स किया था ये मेरा इस तरह से ये बैटर इसका रेडी होगा, और आपका भी इसी तरह से होना चाहिए और लम्स नहीं होने चाहिए। जब तक ये इसको मैं रख रही हूँ और जब तक मेरा दूध बॉयल हो रहा है प्रॉपर बॉयल करना है, और बॉयल करने के बाद ही मैं इसको 2-3 मिनट तक और हटाऊंगी इसको करूँगी, उसके बाद ही मैं अपना ये वाला जो अपना राइस मिक्सचर है वो मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए दोस्तों अब मेरा ये दूध उबलना शुरू हो गया है, और इसको उबलते हुए भी तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हुए हैं। जब ये अच्छे से उबल जाए और तकरीबन 5 या 7 मिनट्स हो जाए तभी मैं अपने धीरे धीरे इसके अंदर मैं अपना ये बैटर को मिक्स करूँगी, और इसको बहुत आपने स्मूथली करना है और इसके साथ साथ इसको स्टरिंग भी करते रहना है। ये देखिए इस तरह से इसकी स्टरिंग करते रहना जिससे कि इसके अंदर लम्स ना पड़े। इसमें सबसे ज़्यादा हमको यही प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि हमको इसके अंदर लम्स नहीं चाहिए, और इसके साथ मैं अब इसको दोबारा कुक करूँगी। इसको भी मैंने अभी 5 से 10 मिनट तक इसको प्रॉपर मैंने कुक करना है जिससे कि मेरा राइस फ्लोर जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए मेरा देखिए जो मेरा है ये अच्छे से मेरा राइस फ्लोर जो है वो कुक हो चुका है, और मेरा दूध भी थोड़ा सा थिक हो गया है। इस कंडीशन पे या इस पोजीशन में मैं आने पर इसको थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी और इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी, और साथ में ही मैं इसके अंदर अपना ये खोया धीरे डालूंगी। ये जो खोया है ये मेरा दानेदार खोया है, और इसको मैं धीरे धीरे करके इसके अंदर मिक्स करती जाऊँगी, और धीरे धीरे वो इसके अंदर डाइल्यूट होता जाएगा। ये देखिए साथ साथ मैं इसको स्टीयरिंग भी कर रही हूँ। खोया बाद में डालना है, पहले हमने इसके अंदर राइस फ्लोर को अच्छे से इसको कुक करना है, उसके बाद ही हम खोया डालेंगे। ये देखो, और साथ में मैं इसमें प्रॉपर इसको चलाते रहना है जिससे कि ये है इसका कोई भी इसके अंदर लम्स ना बने, और बहुत ही ये स्मूथ हमारी फिल्मी रेडी हो। इसमें मैं शुगर बाद में डालूंगी, क्योंकि अगर मैंने शुगर पहले डाल दी तो हमारा दूध ये जो है वो नीचे को लग सकता है। ये देखिए अब मेरा ये प्रॉपर बन रहा है, इसको भी मेरे को करते हुए 5-7 मिनट लग जाएंगे। चलिए फ्रेंड, अब ये हमारा जिस पोजीशन पर आ गया है या जो स्टेज पर आ गया, तो मैं इसके अंदर अपनी शुगर को मिक्स करूँगी। इसमें मैं शुगर पहले थोड़ी डालूँगी, उसके बाद प्रॉपर टेस्ट देखने के बाद इसमें अगर ऐड करनी होगी तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, क्योंकि कई लोग शुगर कम लाइक करते हैं और कोई ज़्यादा लाइक करते हैं, तो और जब हमारी गर्म होती है तो हमें उसमें इसका मीठा कम लगता है लेकिन ठंडा होने के बाद वो ज़्यादा तेज लगता है, इसलिए हम मैं इसको बाद में थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद शुगर ऐड करनी होगी तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। अब देखिए मेरे शुगर डालने के बाद मैंने इसको बस 1 या 2 मिनट इसको कुक करूँगी, उसके बाद मैंने अपना ये डक्शन जो है वो बंद कर दिया।
ये देखिए ये मेरी फिरनी ये बन के रेडी हो चुकी है। ये जब हमारी ये जब स्टेज पर होती है तब हम इसको अपना अपनी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और क्योंकि और फिर उसके बाद में अपने पॉट्स में डालूंगी। जब ये थोड़ी सी और ठंडी हो जाएगी तब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद ये प्रॉपर सेट हो जाती है 2-3 घंटे के बाद। ये देखिए मैं अब इसको इसमें पोर कर रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा मैंने अपने ये पॉट्स में इसको डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर जो है सिल्वर का लगाऊंगी, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अगर वैसे गर्म हो तो ठीक से लगेगा नहीं। ये देखिए ये देखिए मेरी अमृतसर की फिरनी रेडी हो चुकी है, और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।